हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9। और आज का जो डॉ वॉर में जो एपिसोड होने वाला है, वहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन से डॉ में ऑडियो स्ट्रेचिंग सबसे अच्छे से होता है। हम लोग एक बहुत छोटा फाइल, मतलब बहुत फास्ट टेम्पो वाला फाइल को बहुत लंबा कर देंगे, तो देन आई विल सी दैट किसके ऑडियो स्ट्रेचिंग में सबसे ज़्यादा दम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्यूबिस खुला हुआ है। यहाँ पे मेरे पास कुछ तबला सैंपल्स हैं, 100 BPM में है ये तबला लूप्स। तो ऑलरेडी क्यूबिस में मैंने 100 जो टेम्पो है उसको सेट करके रखा है। देन आई विल जस्ट ड्रैग इट हियर एंड क्लिक ऑन ओके। देन इफ आई प्ले दिस वन, तो यही वाला चीज मैं FL स्टूडियो और स्टूडियो 1 में भी करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्टूडियो 1 ओपन है, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रैक। तो ये इसके ऊपर मैं लूप सेट कर देता हूँ एंड आई विल प्ले दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है FL स्टूडियो। यहाँ पे मेरा टेम्पो जो है ऑलरेडी 100 में सेट करके रखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रैक। तो ये बिल्कुल 4 बार तक फिट हो जाएगा, लेकिन मैं इसका एक ही बार लूंगा दिस वन। अभी मैं क्या करूंगा, इसको जो टेम्पो है वो मैं कर देता हूँ 50। सो टाइप इन वैल्यू और लेट्स एंटर 50। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है छोटा हो गया है, लंबा करना है इसको। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द स्ट्रेच और इसको मैं कर दूंगा लंबा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि इसका जो लंबा करने वाला जो टाइम स्ट्रेचिंग मेथड है वो सबसे अच्छा वाला जो है A3 जेनरिक, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। फिर यही वाला चीज़ मैं क्यूबेस और स्टूडियो 1 में भी कर लेता हूँ। जैसे कि स्टूडियो 1 में अगर मैं यहाँ पे टेम्पो जो है इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ 50, सो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये एक अच्छी बात है स्टूडियो 1 में। देन ये जो है मैं क्यूबेस में भी कर लेता हूँ, टेम्पो चेंज करके मैं कर दूंगा इसको 50। तो यहाँ पे भी मुझे मैनुअली इसको चेंज करना पड़ेगा। सो आई विल गो हियर और साइजिंग अप्लाइंग टाइम स्ट्रेच, तो इसको मैं यहाँ पे ट्रैक करूँगा, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे। अभी इसको प्लेबैक करते हैं और सुनते हैं। सबसे पहले हम लोग सुनेंगे FL स्टूडियो में। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोलिशन करके इसका जो सैंपल ऐड किया जाता है, यहाँ पे जो जैसे जिस टेक्निक से इसको बनाया जाता है, दैट इज़ है वो है कि इसका जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़ है क्या हो सकता है उसको एक्सपेक्ट करके यहाँ पे जो मिसिंग सैंपल्स है वहाँ पे इनको इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये अगर ध्यान से सुने तो आपको कुछ फ्लटरिंग साउंड सुनाई दे रहा होगा, फ्लटरी को टाइप। तो वो जो है वो एक्चुअली एक्स्ट्रा पोलिशन करके उसको घुसाया गया है अंदर, तो ये अननेचुरल साउंड कर रहा है। सो अगेन लेट्स गो टू द FL स्टूडियो। तो ये अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो ये जो फ्लटरिंग साउंड है ये मुझे स्टूडियो 1 में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बस थोड़ा सा ही। FL स्टूडियो और क्यूब इसमें मुझे कुछ खास अंतर यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। अभी हम लोग चाहे तो इसको एक कंप्लीट मिक्स के अंदर हम इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कंप्लीट सॉन्ग जो है उसको मैंने एंटर कर दिया है, तो ये देखते हैं। नॉर्मली ये 102 BPM में है, तो इसको सुन के देखते हैं ये कैसा साउंड करता है नॉर्मली। अभी यही वाला चीज हम लोग रिपीट करेंगे
और इसको पहले मैं एफ एल स्टूडियो में सुनूंगा, फिर क्यूबिस में सुनूंगा। सो वो पहले कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया है क्यूबिस में। तो अभी करते हैं एफ एल स्टूडियो में। अभी हम लोग करेंगे चेंज, और इसका टेम्पो मैं कर देता हूँ 40। तो यहाँ पे मैं करता हूँ टाइप इन वैल्यू और डाल देते हैं 40। रिस्ट्रेच टू ऑल चैनल्स, यस। सो नाउ इट शुड बी द 41। तो ये कर लेते हैं स्टूडियो वन में और क्यूबिस में। ये है मेरा स्टूडियो वन, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 40। तो ये ऑटोमेटिकली हुआ नहीं है, तो हम ऑल्ट प्रेस करके इसको करेंगे ड्रैग, तो ये आ जाएगा मेरा 2 बार तक। और यही चीज़ हम करते हैं क्यूबस में। तो इसको मैं कर दूंगा 40। अभी ये जो है इसको मैं टाइम स्ट्रेच वाला टूल सेलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूँ ड्रैग, तो ये हो गया। तो अभी सुन के देखते हैं कैसा लग रहा है सुनने में। तो अगर ये कंपैरिजन आप ध्यान से सुनते हैं, सारे जो डॉज हैं कितने कैपेबल है, आप ये जो कंपैरिजन है इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बहुत माइन्यूटली सुने, जो स्नेयर हिट जा रहा है ना, वहाँ पे जो फ्लटरिंग इफेक्ट है वो मुझे सबसे कम क्यूबिस में लग रहा है। वो बिल्कुल ही मतलब 0.01% कम मुझे थोड़ा सा क्यूबिस में लग रहा है। और बाकी जो एफएल स्टूडियो है या फिर स्टूडियो वन है, यहाँ एकदम बराबर, एकदम सेम टू सेम रिजल्ट है। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए। आप अगर ऐसे और कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसे कंपैरिजन है जो आप देखना चाहेंगे। और अगर आपको मुझसे क्लासेस करना है, देन यू कैन सेंड अ मेल टू studio9kolkata@gmail.com। और अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को विजिट करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्यूबेस एफएल स्टूडियो, स्टूडियो वन, गिटार, VSTs, होम स्टूडियो, मोबाइल प्रोग्रामिंग, ये सब लेके बहुत सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे अपलोड होता रहता है हर हफ्ते। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।